Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी जमी बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से हम एक आइलैंड पर फंस गए थे। वहां नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी कि हम एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए, लेकिन हमारी दोस्ती ने हमें कामयाब कर दिया और हम वहां से बच निकले। अब हमें अपने जहाज को शुरू से बनाना होगा, मगर गोल्डन पैलेस में कुछ और ही प्लान्स बन रहे थे। झुक जाओ सुल्तान के आगे और डरो सुल्तान के गुस्से से। तुम लोगों ने इस साल की टैक्स अदा क्यों नहीं किए? सुल्तान मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दे पाता आपका टैक्स। दुनियाजार, थैंक यू वेरी मच। जब से तुमने मुझे ये खिलौने दिए हैं बहुत मजा आ रहा है मुझे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको अच्छे लगे, लेकिन एक बात याद रखें कि मैंने आपको खेलने के लिए नहीं दिए थे। फिर किस लिए? ये मैंने आपको इसलिए दिए थे शाहजमान, कि आप इससे जंगी हथकंडे सीखें और इसे हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करें क्रिस्टल सिटी में। ओह अच्छा, तो ये बात है क्रिस्टल सिटी। क्या उनके साथ हमारी सुलह हो चुकी है? नहीं, एक सुल्तान सिर्फ सुलह नहीं करता बल्कि वक्त आने पर जंग भी करता है। जंग? क्या ये जरूरी है? इससे चोट लग सकती है। शाहजमान, सारे क्रिस्टल सिटी में ये बात मशहूर है कि आप कमजोर हैं और आप में जंग लड़ने की हिम्मत ही नहीं। ऐसा है तो जंग होगी और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ नहीं, पोर्ट साइड की तरफ माय ब्लू फ्रेंड। किस तरफ है पोर्ट साइड? इस तरफ या उस तरफ? तुम भी ना बहुत सीधे हो, पोर्ट साइड यानी के जहाज के सामने। बस यही ठीक है। शुक्र है मैं बच गया। ये काम अकेले नहीं हो सकता, हमें चाहिए वर्कर्स। ठीक है, लेकिन वर्कर्स को पैसे देने पड़ते हैं और हमने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। तो फिर वॉक आइलैंड कैसे जाएंगे? Hey, don't worry, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना? क्या? वो जजीरे से फरार होने में कामयाब हो गए? जी मालकिन। ये सब उस गद्दार शेरजाद ने किया होगा। अब वो आजादी से पोर्ट टाउन में घूम रही होगी। मुझे जल्द से जल्द करीम और उसे पकड़ना ही होगा। जंग होगी सुल्तान ऑफ यूनान। अगर मैं जंग छेड़ दूं क्रिस्टल सिटी के साथ तो ये काम आसानी से होगा। जैसे ही उनको पता चलेगा वो क्रिस्टल सिटी को बचाने जरूर आएंगे। वेलकम। ये क्या है? अच्छू, ये एक अजीम जिन है मालकन, जो कोई भी इसे रिहा करेगा ये उसको खत्म कर देगा। तो इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। तो तुम्हें मैजिकल चैम्बर से ये मिला है? बहुत खूब मेरे इम्स। तुम यहाँ क्योंकि होगी अब जंग। तुम्हें सुल्तान का हुक्म मानना है यानी मेरा,
बहुत जल्द हम क्रिस्टल सिटी पर कब्जा कर लेंगे। यकीनन इससे बेहतर वक्त तो कोई हो ही नहीं सकता जंग का मेरे सुल्तान। ओह, इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? बिल्कुल मसालेदार। खुशबू तो यहीं से आ रही है, शायद यहाँ से। तो वो मॉन्स्टर करीम और उसके साथी जहाज बनाने में मसरूफ हैं। वाओ, क्या बात है। इस तरह वो कभी नहीं जान पाएंगे हमारे सीक्रेट प्लान को कि हम बहुत जल्द क्रिस्टल सिटी के साथ जंग करने वाले हैं। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि शेरजाद को इसका इल्म हरगिज ना हो, वरना वो क्रिस्टल सिटी वालों को हमारे हमले के बारे में खबरदार कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं होगी, समझ गए? ये तो बहुत बुरी खबर है। हमें फौरन क्रिस्टल सिटी जाकर सुल्तान यूरान को बताना चाहिए। जमाल के साथ जल्दी पहुंच सकती हूँ वहाँ मैं। ये नहीं हो सकता, इट्स टू डेंजरस। तुम अकेले नहीं जा सकती। मैं अकेली नहीं हूँ, बहादुर जमाल है मेरे साथ, और मशवरे के लिए समझदार हलील है। हाँ। समझदार वो तो मैं हूँ, इसके साथ साथ बहादुर भी। तो आज हमला करेंगे क्रिस्टल सिटी पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लड़ाई बहुत ही बहादुरी और जज्बे के साथ लड़ेंगे। बहुत अफसोस है मुझे इस बात का, मैं आप लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता इस अजीम दिन पर। तो क्या आप लीड नहीं कर रहे मेरे सुल्तान? क्या कहा? सोचो अगर तुम्हारे सुल्तान इस लड़ाई में मारे गए तो सल्तनत कैसे चलेगी? माजरत चाहता हूँ आपसे मेरे सुल्तान, मैं समझ गया, मैं ही लीड करूँगा। और मुझे यहाँ रुक कर जंग के मामला को अच्छे से चलाना होगा, मतलब प्लानिंग। नीचे नजर आ गया, या तो वो तालाब है या फिर शराब। हाँ, तालाब ही है। चलो जमाल वहाँ नीचे चले। अब बताओ शेरजाद, तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? अब तो वो मॉन्स्टर भी नहीं यहाँ पाए, बच कर दिखाओ। जमाल पानी पी लो, हमें दोबारा रुकने का वक्त नहीं मिलेगा क्रिस्टल सिटी जाने से पहले। फौरन जाओ मेरे लिटिल एम्स, ख्याल रखना किसी को पता ना चले। ये क्या चीज है? वहाँ क्या पड़ा है हलील? देखता हूँ मैं। रुको हलील, नहीं। हुक्म करो, जिन हाजिर है तुम्हारे लिए। ये तो जिन है, मैंने तो पहली दफा देखा है इतना बड़ा जिन, डर लग रहा है। हाँ, ये है कौन? मुझे भी डर लग रहा है। डरो मत, मैं एक बहुत अच्छा ताकतवर जिनों का सरदार हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी थ्री विशेष पूरी। Three wishes? इन पर मुसीबत कब आएगी? तुम दोनों ने किया क्या? जल्दी ही आ जाएगी मालकन। पहले तीन विशेस पूरी होगी और उसके बाद सिर्फ तबाही होगी। इस तरह वो अपनी कोई भी विश पूरी कर लेंगे। Three wishes? क्या यही कहा तुमने? मेरा ख्याल है तो फिर सबसे पहले करीम को सुल्तान बनवाना चाहिए। ठीक कहा ना शेरजाद? लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जंग रुक जाए, उसके बाद हम करीम को ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी बात का जवाब सिर्फ इस
बिस्कुट को दूंगा। ये बिस्कुट तुमने किसको कहा? हा? किसको कहा ये पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है बिस्कुट। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे मैं कह सकते हूँ। इनकी विश है कि क्रिस्टल सिटी में होने वाली जंग रोक दी जाए, है ना? तुम कुछ बोलो, पिप्सक्विक। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम इससे अपनी 3 विशेस पूरी करवा सकते हैं तो क्यों ना अभी करवा लें? तो क्या ये हमें अभी बहुत बड़ा सा चराग ला के दे सकता है? जो हुक्म, ये कौन सी बड़ी बात है? ये लो अभी। नहीं रुको, ये वाली विश नहीं। बुरा तो ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा और हवादार होता तो मजा ही आ जाता, और साथ में अगर स्विमिंग पूल भी होता तो। जाए, ऐसी कोई भी विश मत मांगिएगा। जो भी ख्वाहिश करना सोच समझ के करना, समझ आ रही है ना पिप्सक्विक? हलील, मुझे इस पर भरोसा नहीं। विश करोगे वापस बॉटल में चला जाए। अभी हमारी 2 विशेस बाकी रहती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है तुम चुप रहो। तो खामोश कर देता हूँ उसे। क्या बात, सुनो, स्टॉप। हलील, तुमने क्या किया? नो, ये मुझसे क्या हो गया? अब तुम्हें कैसे नॉर्मल किया जाए? तुम सिर्फ बोलो, तुम्हारे ख्वाहिश करते ही ये ठीक हो जाएगी। जबरदस्त, जल्दी से लास्ट विश पूरी करो ताकि मैं इन्हें खत्म होता देख सकूं। अब मुझे क्या विश करनी चाहिए? लड़ाई बंद करें, करीम को तब्दील कर दें, या फिर तुम्हारी मदद? समझ नहीं आ रहा। टू वर्ड्स। अच्छा, तुम्हारा मतलब वापस जाओ। विक्ट्री। अच्छा, स्टॉप फाइटिंग। तो क्या मेरा ख्याल है कोई दरवाजा, दरख, समंदर, पानी, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, समझ गया मैं, स्टॉप फाइटिंग। ये विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम ना खा सकती हो, ना गा सकती हो, और ना ही कुछ बोल सकोगी, समझी? फिर तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी से अपनी तीसरी ख्वाहिश बताओ। अच्छा चलो ठीक है, तेरी ख्वाहिश है कि शहजाद ठीक हो जाए। यस। ओह हलील, ये तुमने क्या किया? मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। मैं तो कहता हूँ चलते हैं, शहर जाकर क्रिस्टल सिटी को जंग के बारे में भी बताना होगा। तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या कहा आपने? तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर दी मैंने पिप्सक्विक, अब मैं तुम्हारे ताबे नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। देख लो, जो चाहे मैं कर सकता हूँ तुम्हें दबा। तो क्या ये बातें पहले नहीं बता सकते थे हमको? काम हो गया एम्स। चलो जल्दी से रिंग में चलो, इससे पहले कि हम भी तबाह हो जाएं। दुनिया साथ, मुझे पता होना चाहिए था। ये जमीन भी मेरी बेपनाह ताकत से कांपती है। वाओ, ये वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इससे ज्यादा बड़े हो सकते हो। तुम अब देखो सरा। बस इतने ही, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। पता है, पता है, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। वाह वाह, लेकिन एक चीज है जो आप नहीं कर सकते हैं। मैं जिनों का सरदार कुछ भी कर सकता हूँ। रियली? फिर मैं शर्त लगाती हूँ कि आप वापस इस बोतल में फिट नहीं हो सकते। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे वाह, हमें फौरन क्रिस्टल सिटी जाना है और आप हमारे साथ चलेंगे।
जब हम आखिरी बार मिले थे तो आप ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो नीले रंग का मॉन्स्टर तो शहजादा करीम है और यही गोल्डन सिटी का असली सुल्तान है। बाबा सुनिए तो सही, वो कहना क्या चाह रही है आप? टा 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 टा। नहीं, आपका मतलब है कि शाहजमान इस शहर पर हमला करने आ रहा है? मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन ये सच है, वो आर्मी बस पहुँचने ही वाली है, आप चाहे तो खुद देख लें। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, इसे यकीनन कोई गलत फहमी हुई हो। ये गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमारे दरमियान सुलह हो गई थी तो ये सब क्या है? अब हम अपने आप को इन लोगों से कैसे बचाएंगे? अब तो हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हम इन लोगों का मुकाबला कर सकें। गोल्डन सिटी की फौज तो शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है, कोई आइडिया है उन्हें कैसे रोका जाए? जादू करना सही, उसकी बेटी सही, भरोसा करना होगा खुद को बचाने के लिए। क्या आवाज है सुल्तान यूनान, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हमले के लिए तैयार हो जाओ, कोई भी हमसे बच के ना निकल पाए। ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब है ये ग्रेट जिन मेरी तीन ख्वाहिशात पूरी करेगा। मतलब मुझे इस मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारी बात पर अमल करना पड़ेगा। जी हाँ, यही एक रास्ता है सुल्तान, वरना हम तबाह हो जाएंगे। क्या तुम ठीक कर रही हो सब कुछ? मैं भी नहीं जानती, लेकिन आप जल्दी छुप जाएं इससे पहले वो आपको पहचान ले। पिपस्क्वीक। चलो, इसमें तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, इसको बाहर निकाल के देखते हैं। हुक्म करो, जिन हाजिर है तुम्हारे लिए। तुम्हें आजाद कराने वाला मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी ख्वाहिशात को पूरा करना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, बताओ अपनी तीन ख्वाहिशात। ऐसा कुछ नहीं जो मैं कर ना सकूं, मेरे पास बहुत ताकत है। तुम वही चालाक लड़की हो ना जिसने मुझे दोबारा कैद कर दिया था बोतल में। विश करें कि शाहजमान की आर्मी वापस चली जाए गोल्डन सिटी। ठीक है, मैं विश करता हूँ कि इसी वक्त शाहजमान की फौज वापस चली जाए। फौजियों चले जाए। रुक जाओ, उस तरफ नहीं जाना। और ये मैं किस तरफ जा रहा हूँ? मुझे तो कोई जादू लग रहा है। मैं जिनों का सरदार बोर होता हूं इंतजार करने से। बताओ अपनी विश, शकल हैट। शकल हैट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी मेरा। बदतमीजी है ये। हाँ, मुझे आपको बता देना चाहिए था, ये काफी बदतमीज जिन है। मेरी अगली ख्वाहिश ये है कि शाहजमान और दुनिया साथ अच्छे हो जाएं और गोल्डन सिटी के हर एक शहरी के साथ नरमी और अच्छे तरीके से पेश आए। पूरी हो जाएगी ये ख्वाहिश। मुझे तो ये सोच कर ही अच्छा लग रहा है कि बनने वाला हूँ मैं क्रिस्टल सिटी का सुल्तान। लेकिन वो जो गरीब लोग होंगे उनका क्या होगा? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए बहुत जल्द टैक्सेस की माफी का ऐलान करूंगा और साथ ही बेहतर एजुकेशन का भी ऐलान किया जाएगा और वेलफेयर का भी। क्या?
मालूम भी है आप बोल क्या रहे हैं। पहले हमें दुश्मनों को खत्म करना होगा ताकि हम कंट्रोल हासिल। बिल्कुल सही, आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहिए हमें। और हाँ, लोगों को आजादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की और जिंदगी गुजारने की। यस, पहली बार एक अच्छी बात सुनी है। ओह मेरे सुल्तान, अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। बताओ मुझे अपनी तीसरी ख्वाहिश भी ताकि आजाद हो जाऊं मैं तुमसे। जल्दी करो शकलेट ताकि मैं उस लड़की से निमट सकूं। आपको आपकी आखिरी विश याद है ना? और मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप जिस बोतल से निकले थे उसी बोतल में वापस चले जाएं। ये नहीं हो सकता। नहीं, 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 नहीं। ग्रेट जिन, उसूल आपके ही थे, हमने तो सिर्फ गेम बेहतर खेली। ये लो, हाँ तुम भी लो, सबको मिलेगा, सबके लिए है, बहुत कुछ। वाह वाह वाह, किसी को फिकर नहीं करना है, कोई फिकर नहीं करेगा, सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं चाहती हूँ, क्यों ना हम ये कॉइंस रोज बांटे मेरे सुल्तान, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ले, आप भी लीजिए। आज आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी शहरजाद, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप यहीं कयाम करें हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे एक अहम मिशन पर जाना है। ओह, तो क्या आप मुझे बताएंगी? ये आपके लिए और ये तुम्हारे लिए, और लो। क्या हो रहा है यहाँ? मैं दे रहा हूँ और तुम लोग ले रहे हो, बता भी नहीं रहे कि ये मेरा है। सब अपने हाथ खाली करो और यहाँ से फौरन चले जाओ, ये कॉइन सिर्फ मेरे हैं। वो वापस दो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा है, मेरा। जहाज बनाने के लिए सिक्के चाहिए ताकि हम वॉक वॉक आइलैंड जा सके। वॉक वॉक आइलैंड? कभी नाम नहीं सुना इसका। क्या ये वॉक वॉक आइलैंड तुम्हारे उसी मॉन्स्टर दोस्त का है? सिर्फ उसी का ही नहीं बल्कि गोल्डन सिटी के फ्यूचर का भी। तुम एक बहादुर और अक्लमंद लड़की हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मैं कोई ग्रेट जिन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। इससे तो हम वर्कर्स की पूरी फौज खरीद सकते हैं। यस, ये सब आपके लिए है दोस्तों, ये लें, रख लें। शुक्रिया। बहुत जल्द आपका कैप्टन आपको वॉक वॉक आइलैंड ले जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं कहाँ बैठूंगा, वही अपनी फेवरेट विंडो सीट पे। कहा था ना रास्ता मिल जाएगा। हाँ सही, बहुत जल्द हमें मंजिल मिल जाएगी। और अगले दिन हम वॉक वॉक आइलैंड के लिए निकलेंगे, लेकिन रास्ते में हम कुछ ऐसे जाइंट्स से मिलेंगे जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये सब एक नए दिन की कहानी है।